हिंदी साहित्य में विचारधाराओं के अंतर्गत आज हम मार्क्सवादी आलोचना का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप इन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रस्तावना, फिर मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मार्क्सवाद की विशेषताएं कौन सी हैं, हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना, हिंदी साहित्य में जो राजनीति के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं उसे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, इसके बाद मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना ही मार्क्सवादी आलोचना है, इसके बाद प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक और उनकी कृतियां, मतलब हिंदी के जो प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, फिर पहली पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक, मतलब शुरुआत में जब भारत में मार्क्सवादी आलोचना शुरू हुआ तो शुरुआत किन्होंने की, इनकी पहली पीढ़ी कौन सी थी, दूसरा दूसरी पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक कौन से थे, इसके बाद हम देखेंगे निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन कैसा लगा। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, इनका जीवन काल था 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजिल्स के साथ मिलकर सन 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो आगे साम्यवादियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुआ। तो कार्ल मार्क्स के एक मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स, इनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। 1848 ईस्वी में जो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा यह साम्यवादियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुआ। साम्यवादी क्या है आगे बताऊंगा मैं आपको। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित हुई जिसने विश्व भर में तहलका मचा दिया। तो दास कैपिटल जो इनकी किताब है सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब है। मार्क्स और एंजिल्स ने प्राय अनेक विषयों पर साथ साथ मिलकर लिखा है। उनके साहित्य और कला संबंधी विचार लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में प्रकट हुए हैं। मार्क्स और एंजिल्स के कला और साहित्य के संबंध में इन्होंने जो विचार व्यक्त किया वह इनके ग्रंथ लिटरेचर एंड आर्ट में प्रकट हुए हैं। इसमें साहित्य संबंधी प्रमुख मार्क्सवादी स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने इस किताब में कला और साहित्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किया है वे इस प्रकार हैं। पहला, साहित्य एवं कला विचारधारा का ही एक रूप है। अब विचारधारा किसको बोलते हैं, जैसे मार्क्सवाद है एक विचारधारा है, मनोविश्लेषणवाद है, स्वच्छंदतावाद है, रोमांटिसिज्म है, ये सारी विचारधाराएं हैं। और साहित्य एवं कला क्या है, विचारधारा का ही एक रूप है। मतलब जो भी साहित्य लिखा जाता है, जिस भी कला का सृजन होता है वह किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होता है, यह इनका विचार है। इसके बाद साहित्य और कलाएं, कलाएं मतलब चित्रकला है, चाहे संगीत है, चाहे गायन है, जो भी कला है, मूर्तिकला, चित्रकला, गायन और जितने भी प्रकार की कलाएं होती होंगी, ललित कलाएं, साहित्य और कलाएं समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं और उसी पर स्थित और आधारित रहती हैं। मतलब जो भी साहित्य है, जो भी समकालीन साहित्य है या जो भी कला जन्म लेती है वह समाज की जो आर्थिक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, उन पर आधारित रहती है। मतलब मुख्य रूप से समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो उत्पादन के साधन हैं, इन पर आधारित स्थिति और आधारित रहती है। मतलब इन्होंने अर्थ पर, भौतिक जीवन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके बाद आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होने के साथ साहित्य कला अथवा विचारधारा के अन्य रूपों में थोड़ा बहुत उसी तेजी के साथ परिवर्तन होता है। मतलब समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति जब परिवर्तित होती है, अब भौतिक धरातल कैसे परिवर्तित होती है, जैसे कोई भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया या फिर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधिकार में ले लिया, भौतिक धरातल परिवर्तित हो गया। तो इन सब कारणों से क्या होता है, साहित्य कला अथवा विचारधारा इनके रूपों में थोड़ा बहुत अथवा तेजी से परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद साहित्य एवं कला केवल परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं होती, वरन कभी कभी और प्रायः उन्हें प्रभावित भी करती है।
मतलब ऐसा नहीं कि साहित्य और कला केवल परिस्थितियों से प्रभावित होती है, बल्कि कई बार साहित्य और कला क्या होता है, समाज को भी प्रभावित कर देता है। जैसे साहित्य, जैसे मार्क्सवाद में दास कैपिटल, इसने समाज को प्रभावित किया। जैसे फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है और चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, विकासवाद का जो सिद्धांत है जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुल मिलाकर जो साहित्य और कला है वे केवल समाज की आर्थिक भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि कभी कभी साहित्य और कला उन्हें भी प्रभावित करती है, विचारधाराओं को भी प्रभावित करती है और समाज को भी प्रभावित करती है। पांचवा, कला के उद्भव और विकास में श्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसके द्वारा ही उन हाथों में शक्ति और क्षमता आती है जो कला का निर्माण करते हैं। मतलब कला के उद्भव और विकास में श्रम का भी योगदान होता है। जैसे श्रम करने से व्यक्ति को क्या है, पैसा मिलता है, जीवन यापन के साधन जब उसके पास उपलब्ध हो जाते हैं तो क्या करता है, वह कला के सृजन में संलग्न हो जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कला और साहित्य का सृजन तभी कर सकता है जब उसका पेट भरा रहता है ना। जो जिस आदमी का पेट नहीं भरा है, जो गरीब है, वो क्या करेगा, दिन भर उसी व्यवस्था में लगा रहेगा कि मुझे पैसा मिले तो मैं कैसे जीवन यापन करूं, क्या करूं। और जब उसकी निजी जिंदगी की ये सारी रोटी कपड़ा और मकान की जो व्यवस्था है पूरी हो जाती है तो क्या होता है, वह कला और साहित्य के सृजन में संलग्न हो जाता है। छठवां, उनका यह भी विचार है कि कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों में सीमित तभी होती है जब श्रम विभाजन असंतुलित होता है। साम्यवादी समाज में विसंगतियां न होने से सभी लोग अन्य कार्यों के साथ कलाकार भी होंगे। उनका यह मानना है कि कलात्मक प्रतिभा कुछ लोगों तक सीमित इसलिए होती है क्योंकि उनके पास जीवन यापन का पर्याप्त साधन है ना, उनके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था पूरी हो गई है, वो लोग पैसे वाले हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। तो उनका मानना यह है कि जो व्यक्ति दिन भर रोजी रोटी के चक्कर में रहेगा, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं, अब वो कहाँ से साहित्य सृजन करेंगे और कहाँ से वो कला का सृजन करेंगे। तो यह परिस्थिति क्यों जन्म लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग शोषक हैं, कुछ लोग शोषित हैं। तो यह श्रम विभाजन असंतुलित है, सभी लोग श्रम नहीं कर रहे हैं, श्रम कोई और कर रहा है और उसके उत्पादन का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है। लेकिन साम्यवादी समाज में ये सारी विसंगतियां नहीं होंगी, तो सभी लोगों के पास बराबर रिसोर्सेज होंगे, उत्पादन के साधन होंगे, उनके श्रम पर उनका अधिकार होगा, तब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तो सभी लोग अन्य कार्यों के साथ साथ कलाकार भी होंगे। मतलब साम्यवादी समाज में हर व्यक्ति कलाकार होगा, यह उनका मानना है। मार्क्स के अनुसार साहित्य अर्थव्यवस्था से ही निर्मित और संचालित होता है, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व दिया है। साहित्य मतलब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर आधारित है इनके हिसाब से, क्योंकि साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था उसका भी निर्माण करती है तथा उसकी प्रतिभा और कल्पना को प्रभावित करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, इसीलिए चाहे मनुष्य हो चाहे साहित्यकार हो, साहित्यकार जो एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने समाज की जो आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है इससे वह प्रभावित होता है, और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उसकी प्रतिभा और उसकी कल्पना को प्रभावित करती हैं। साहित्य भी युगीन अर्थव्यवस्था एवं उससे संचालित सामाजिक तंत्र की अभिव्यक्ति होता है। मतलब साहित्य में भी, जैसे हम उस समय पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार कोई भी साहित्य हो, जैसे वैदिक साहित्य का हम अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी समय के जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तब उस साहित्य में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का, मतलब उस समय की जो अर्थव्यवस्था है अथवा उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका वहां पर प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है। फिर भी मार्क्स का विचार था कि साहित्य सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्र होते हुए भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह समाज व्यवस्था को बदल सकता है, वह सामाजिक क्रांति उपस्थित कर सकता है। भले ही जो साहित्य को समाज का प्रतिबिंब या समाज का दर्पण कहा जाता है, कार्ल मार्क्स का मानना था कि ठीक है कि साहित्य में सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का यथार्थ चित्रण तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी साहित्य में वह क्षमता होती है, वह शक्ति होती है कि वह समाज की व्यवस्था को बदल सकता है, समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है। मतलब भले ही साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वह समाज में क्रांति भी उत्पन्न कर सकता है, सामाजिक व्यवस्था को बदल सकता है, साहित्य में इतनी ताकत होती है। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है,
मतलब अमोघ अस्त्र है, साहित्य के द्वारा किसी भी समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि पूंजीपति साहित्य की शक्ति को जानता है, अतः वह साहित्य का इस प्रकार से संचरण करता है कि वह शोषण और प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी मतलब होता है रिएक्शनरी, किसी कार्य के विरोध में कार्य करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। तो शोषण और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां पोषित हो सके, लेकिन जो पूंजीपति है वे यह चाहते हैं कि इस प्रकार का साहित्य न लिखा जाए जो लोगों को क्रांति के लिए मजबूर करे, है ना, जो लोगों को जागरूक करे। वो चाहता है कि साहित्य इस प्रकार लिखा जाए जिसके कारण जो शोषित होने वाली जो ताकत, जो शोषित हो रहे हैं जो समाज में, या जो प्रतिक्रियावादी हैं, वे किसी प्रकार का कुछ काम न कर सके। मतलब साहित्य इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जो पूंजीपतियों के मन के अनुरूप हो। इसके विपरीत क्रांतिकारी वर्ग साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए करते हैं और इसे प्रगति का साधन बना देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो क्रांतिकारी वर्ग हैं वो क्या करते हैं, वे अपने साहित्य का प्रयोग समाज में बदलाव लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, शोषकों के प्रति विद्रोह करने के लिए वे अपने साहित्य का प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण यह जो साहित्य है वह उनकी प्रगति का साधन बन जाता है। अब मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, इनके विचार क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके इनका दृष्टिकोण क्या है, यह हम देखते हैं। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि देखते हैं। हिंदी की प्रगतिवादी आलोचना मार्क्सवाद से प्रभावित है। सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। मतलब जो मार्क्सवाद है, जिसे राजनीतिक क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उनकी विचारधारा को तीन भागों में बांट सकते हैं। इनकी जो मुख्य विचारधारा है इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, और तीसरा है विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। भौतिक विकासवाद मतलब जो हमारे समाज में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारा समाज जो विकास कर रहा है भौतिक रूप से, भौतिक संसाधन के क्षेत्रों में जब जो हम विकास कर रहे हैं, तो यह किस प्रवृत्ति के कारण विकास कर रहे हैं, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, इसके कारण ही हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अब द्वंद्वात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि विकास अथवा द्वंद्व संघर्ष से होता है, दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। तो द्वंद्वात्मक विकासवाद का यह कहना है कि जब दो शक्तियां आपस में टकराती हैं, उनमें संघर्ष होता है, विरोध होता है, तब एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो ये दोनों शक्तियां जब टकराई, दोनों में द्वंद्व हुआ, तब एक तीसरे तीसरे राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान का जब 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब एक तीसरी शक्ति ने जन्म लिया और वह है बांग्लादेश। यही मार्क्सवाद का कहना है। इस प्रकार जब दो विरोधी शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो इनके संघर्ष से एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है, इसे कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद से हुआ है, इसलिए वह किसी अलौकिक सत्ता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मतलब कार्ल मार्क्स पूरी तरह से नास्तिक थे, ईश्वर पर उनका कोई विकास नहीं था, ईश्वर पर उनकी कोई आस्था नहीं थी। तो मार्क्सवाद का यह मानना है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो संसार का जो निर्माण हुआ है, वह किस आधार पर हुआ है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद के आधार पर हुआ है। और इस प्रकार मार्क्सवाद किसी प्रकार की सत्ता, अलौकिक सत्ता, मतलब आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मतलब जो मार्क्सवादी विचारधारा है पूरी तरह से नास्तिकतावादी विचारधारा है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था नहीं रखते। मूल्य वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने बताया कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के चार अंग होते हैं। मतलब जब भी कोई वस्तु का निर्माण होता है तो इसमें चार अंग होते हैं इसके। पहला तो मूल पदार्थ, मौलिक जो पदार्थ होता है। इसके बाद स्थूल साधन होते हैं। इसके बाद श्रमिक का श्रम है, फिर मूल्य वृद्धि है। मूल पदार्थ क्या है, जैसे कोयला है ना, कोयला के बाद फिर क्या, कोयला के या मिलाकर फिर हम उस पर स्टील बना लेते हैं फैक्ट्री में ले जाकर, या फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है तो मूल पदार्थ हो गया। फिर एल्यूमिनियम में स्थूल साधन क्या होते हैं, फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं, मशीनें होती हैं।
इसमें श्रमिक फिर श्रम करता है, और इसके बाद जो मूल्य वृद्धि, मूल्य का निर्धारण करता है पूंजीपति। पूंजीपतियों ने पूंजी के बल पर स्थूल साधनों अर्थात मशीनों एवं उपकरणों पर एकाधिकार कर लिया है। मतलब जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वे पैसे से क्या है, सभी ये साधनों को खरीद लेते हैं, फैक्ट्री को खरीद लेते हैं, मशीन खरीद लेते हैं, उपकरण खरीद लेते हैं। परिणामतः मूल पदार्थ से उत्पादित वस्तु जिसमें श्रमिकों का श्रम भी सम्मिलित है पूंजीपति को लाभ पहुंचाती है। तो यद्यपि इसमें श्रमिक लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मेहनत का फायदा किसको मिलता है, पूंजीपति को मिलता है, और श्रमिकों का सिर्फ शोषण होता है और पूंजीपति इससे लाभ कमाता है। पूंजीपति इसी पूंजी के बल पर श्रमिकों का शोषण करता है, मतलब पूंजीपति इसी पैसे के बल पर क्या करता है, श्रमिकों का शोषण करता है, बहुत कम पैसा देता है और खुद अधिक लाभ कमाता है। स्पष्ट रूप से मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है, शोषक वर्ग, पूंजीपति, जमींदार, मिल मालिक, उद्योगपति जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है, और शोषित वर्ग, शोषित वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। मजदूर, श्रमिक, किसान और गरीब इस श्रेणी में आते हैं शोषित वर्ग में। मार्क्सवाद जो है किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करता है, उसे शोषितों के प्रति सहानुभूति है और वह शोषण को समाप्त कर समाज में साम्यवादी व्यवस्था करना चाहता है। साम्यवादी व्यवस्था क्या है, जब मजदूर के श्रम पर और उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का भी मतलब उनकी भूमिका होगी, उनका हक होगा, तो यह साम्यवादी समाज में न तो कोई शोषक होगा न तो कोई शोषित होगा, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इसी प्रकार विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या भी मार्क्स ने इन्हीं दो वर्गों, शोषक और शोषित के आधार पर की है। हमने देख लिया द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद क्या है, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत भी हमने देखा, अब हम देख रहे हैं विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या। विश्व के सभ्यता, जो विश्व की सभ्यता के विकास की व्याख्या भी किया है कार्ल मार्क्स ने, इन्हीं दो वर्गों शोषक और शोषित के आधार पर की है। इसे चार कालों में बांटा जा सकता है, मतलब विश्व में जो भी सभ्यता विकसित हुई है इसके चार काल या फिर चार युग रहे हैं। पहला है दास प्रथा का युग, इसके बाद है सामंती प्रथा का युग, इसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का युग, इसके बाद साम्यवादी व्यवस्था का युग। मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी वह व्यवस्था है जिसमें श्रमिक को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है, क्योंकि साम्यवाद में ना तो कोई शोषक होगा ना तो कोई शोषित होगा, और इसी साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे कार्ल मार्क्स। अब हम देखते हैं ये चार युग कौन कौन से हैं। पहला है दास प्रथा का युग। दास प्रथा का युग मतलब लोग दास हुआ करते थे उस समय, दासता का युग था ये। इस युग में श्रमिक के व्यक्तित्व मतलब उसका शरीर, उसका जीवन, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादनों, इन चारों पर मालिक या शोषक का अधिकार था। मतलब दास प्रथा के समय में कुछ लोग मालिक होते थे और कुछ लोग दास होते थे। तो जो दास होते थे उनका जीवन, उनका शरीर और उनके श्रम, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत और उत्पादन के जो साधन थे और उत्पादन जो उत्पादित वस्तु था, इन सभी पर शोषकों का अधिकार था, मालिकों का अधिकार था। दास प्रथा जब समाप्त हुई तो दूसरा युग चालू हुआ। इस युग का नाम था सामंती प्रथा। इस युग में मजदूर के व्यक्तित्व को तो स्वतंत्रता मिल गई, उसके शरीर को, उसके व्यक्तित्व को दासता से आजादी मिल गई, किंतु शेष तीन बातों पर मतलब उसके श्रम पर और उत्पादन के साधन पर और उत्पादित वस्तु पर सामंत और शोषक का ही अधिकार था। अर्थात दास प्रथा के युग में श्रमिकों को व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्रता नहीं थी, जबकि सामंती युग में उसे प्राप्त हो गई थी। सामंती युग में क्या है, उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र हो गया था, उसको अपने निजी मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी सामंती युग में। अतः नई व्यवस्था पहले से अच्छी थी, तो यह व्यवस्था पहली वाली व्यवस्था से अच्छी हुई। इसके बाद सामंती प्रथा के बाद एक नया युग शुरू हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था का युग। यह कैसा युग था, इस युग में मजदूर के व्यक्तित्व एवं उसके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया। मतलब दो चीजों की छूट मिल गई उसे, उसका व्यक्तित्व पर, उसके शरीर और उसके जीवन पर, और दूसरा उसके श्रम पर, उसके परिश्रम पर, उसके मेहनत पर मजदूर का ही अधिकार हो गया, किंतु शेष दो पर पूंजीपति का ही अधिकार रहा। परंतु जो उत्पादन के साधन थे और जो उत्पादित वस्तु थी, इस पर मालिक का ही हक था, पूंजीपति का ही अधिकार रहा। अर्थात इस युग में मजदूर अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी काम कर सकता था,
अतः दूसरी व्यवस्था तीसरी से अच्छी थी और ये जो तीसरी व्यवस्था है वह दूसरी व्यवस्था से अच्छी थी, किंतु इस व्यवस्था में मजदूरों को उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिलता। अतः कार्ल मार्क्स का लक्ष्य एक चौथी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था में चूंकि उत्पादन के साधनों पर और उत्पादित वस्तुओं पर जो पूंजीपति थे, जो शोषक थे, उनका ही पूरा अधिकार था, इसलिए मजदूरों को उनके पूरे परिश्रम का, उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता था। इसलिए कार्ल मार्क्स का लक्ष्य था कि साम्यवादी समाज की स्थापना करना, जहां पर न तो कोई शोषक होगा न कोई शोषित होगा। अब साम्यवादी व्यवस्था में क्या, इसमें मार्क्स ने यह व्यवस्था की दी कि उत्पादन के समस्त साधनों पर मजदूरों का नियंत्रण हो तथा प्रत्येक मजदूर को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिले। मतलब जो उत्पादन के जो साधन है, जो उपकरण है, जो फैक्ट्री है, जो मशीनें हैं, उन पर मजदूरों का भी नियंत्रण हो ताकि मजदूरों को उनके परिश्रम के अनुरूप फल मिल सके। इस प्रकार मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या था, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विद्रोह, हिंसा एवं क्रांति का समर्थन करता है। मतलब मार्क्सवाद अतिवादी सीमा तक चला जाता है। साम्यवाद की स्थापना के लिए दुनिया के जो मजदूर हैं, जो शोषक हैं, जो श्रमिक हैं, वे यदि चाहें तो साम्यवाद की स्थापना के लिए विद्रोह भी कर सकते हैं, हिंसा का सहारा ले सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, इसका वह समर्थन करता है। मार्क्सवाद में शोषकों को शोषकों के विरुद्ध संघर्ष और क्रांति अर्थात विद्रोह करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित किया गया है। हिंदी की जो प्रगतिवादी जो विचारधारा है, जैसे कि निराला ने लिखा था वह तोड़ती पत्थर, कुछ इसी प्रकार की है कविता है, या फिर जागो फिर एक बार, निराला जी की जो कविता का जो क्रांति गीत है, जो आह्वान गीत है, जागो फिर एक बार, या फिर वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इसी तरह की प्रगतिवादी कविता है, या फिर बादल राग है, बादल राग में संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया गया है। तो इसी प्रकार जैसे बाबा नागार्जुन की कविताएं हैं, ये सारी कविताएं संघर्ष और क्रांति का बिगुल बजाती हैं, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कविताएं कही जा सकती है। अब मार्क्सवाद की मान्यताओं में प्रमुख कौन कौन से हैं, मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यता कौन सी है, प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, इनकी मुख्य विचारधारा क्या है, धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरह से नास्तिक विचारधारा है और ये धर्म को इन्होंने अफीम की संज्ञा दी है। अफीम मतलब नशा। धर्म क्या है, लोगों को नशा में डुबा देता है, उनको सही और गलत की पहचान नहीं होती, तो धर्म को इन्होंने अफीम की संज्ञा दी है। तो धर्म या फिर ईश्वर या फिर परलोक, इसका इन्होंने विरोध किया है, ये नास्तिक है। दूसरा, पूंजीवादी पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार। जो पूंजीपति हैं, जो शोषक हैं, जो मालिक हैं, इनके प्रति घृणा का प्रचार इसके द्वारा किया गया है। तीसरा, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति। मार्क्सवाद में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, उनकी दीनता और निर्धनता का चित्रण किया गया है और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। इसके बाद नारी का यथार्थ चित्रण, क्योंकि नारी भी क्या है, शोषित होती है, प्रायः प्रायः नारी का समाज में शोषण होता है, तो इसलिए नारी का यथार्थ चित्रण किया गया है, इनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। अब हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना या हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना का अभ्युदय या शुरुआत कैसे हुआ, आइए हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात मतलब शुरुआत छायावाद के समाप्ति काल अर्थात 1936 ईस्वी से हुआ। मतलब मार्क्सवादी चेतना या प्रगतिवादी चेतना की शुरुआत हुई 1936 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। साम्यवाद क्या है मैं ऊपर बता चुका हूं। पेरिस में 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था और यह जो संस्था है यह पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। इसकी एक शाखा सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्न से भारत में स्थापित हुई। हाँ, यह भी 1935 में जो वहां पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो स्थापित हुई थी पेरिस में, इसका एक ब्रांच खुला इंडिया में, इसकी एक शाखा खुली भारत में 1936 ईस्वी में, और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद को, इनके प्रयत्नों से यह भारत में स्थापित हुई। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई सन 1936 में। जो इसकी शाखा खुली उसका भारत में उसका नाम दिया गया प्रगतिशील लेखक संघ, जिसका पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
मतलब प्रगतिशील लेखक संघ की जो पहली बैठक हुई, जो पहला अधिवेशन हुआ सन 1936 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा भी जाता है। इसको आप ध्यान में रखें कि पहले प्रगतिशील लेखक संघ की पहली बैठक, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया, मतलब इसके बाद ही भारत में प्रगतिवादी साहित्य लिखना शुरू हुआ, प्रगतिवादी आलोचना शुरू हुई, अर्थात मार्क्सवादी साहित्य, मार्क्सवादी आलोचना शुरू हुई। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया और किसानों मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया। शोषक स्वार्थी स्वकेंद्रित जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रगतिवाद ने कसकर प्रहार किया। जो शोषक वर्ग था, जो स्वार्थी वर्ग था, जो स्वकेंद्रित वर्ग था, जो सिर्फ अपने जीवन तक ही केंद्रित था, जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं था। आप कह सकते हैं कि छायावाद की प्रतिक्रिया भी थी है। छायावाद में क्या है, आत्म केंद्रिकता को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, स्वकेंद्रिकता को अधिक महत्व दे दिया गया था, तो इसके विरोध में भी प्रगतिवाद ने जन्म लिया था। तो इनकी विसंगतियों पर प्रगतिवाद ने कसकर प्रहार किया। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना क्या है, इसका मतलब क्या है और भारत में यह कब शुरू हुआ और इससे कौन कौन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं, आलोचक हैं। तो जो हिंदी में जिसे हम प्रगतिवादी आलोचना कहते हैं, वास्तव में वह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, मार्क्सवादी आलोचना है। मार्क्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाकर आलोचना करने वालों को मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। मतलब जो मार्क्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत हैं, जिनका हमने ऊपर अध्ययन किया था, इन सिद्धांतों को आधार बनाकर जो आलोचक आलोचना कर्म में सक्रिय होते हैं, जो समालोचक या समीक्षक कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति की आलोचना करते हैं, उन्हें हम मार्क्सवादी आलोचक कहते हैं और हिंदी में ही इन्हें हम कहते हैं प्रगतिवादी आलोचक। हिंदी में इन्हें हम प्रगतिवादी आलोचक कहा जाता है, कहते हैं। हिंदी में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना सन 1936 के साथ ही मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ हुआ। मार्क्सवादी आलोचना का दार्शनिक आधार मार्क्सवादी दर्शन से निर्मित हुआ है। मतलब मार्क्सवादी आलोचना की जो पृष्ठभूमि है, जो इसका आधार है, दार्शनिक आधार है, वैचारिक जो आधार है, वह मार्क्सवादी दर्शन से निर्मित हुआ है। मतलब 1936 के बाद ही भारत में मार्क्सवादी आलोचना अर्थात प्रगतिवादी आलोचना और प्रगतिवादी साहित्य दोनों की शुरुआत होती है। मार्क्सवाद के अनुसार मनुष्य अपने खाने पीने एवं रहने के लिए उत्पादन करता है। मतलब मनुष्य उत्पादन क्यों करता है, खाने पीने के लिए और रहने के लिए। वह जिस तरह से उत्पादन करता है, वह उत्पादन की पद्धति, जिन साधनों से उत्पादन करता है, वे उत्पादन के साधन है। मतलब वह जिस प्रकार से उत्पादन करता है, वह क्या उत्पादन की पद्धति है, मेथड है, तरीका है, और जिन साधनों से उत्पादन करता है, वे क्या है, उत्पादन के साधन है। जैसे फैक्ट्री है, मशीनें हैं, ये उत्पादन के साधन है। उत्पादन के दौरान जो आपसी मानवीय संबंध बनते हैं, वे उत्पादन संबंध होते हैं। मतलब समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई लुहार है या फिर कोई बढ़ई है या फिर कोई और काम कर रहे हैं आपस में, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई गायक है, कोई किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, कोई किसी चीज का निर्माण कर रहा है। तो समाज में जो लोगों के आपसी संबंध है, वे उत्पादन संबंध है, उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं के कारण लोगों के आपस में संबंध होते हैं, आर्थिक गतिविधियों के कारण लोगों के आपस में संबंध होते हैं, और यही समाज का आधार है। इसी के आधार पर समाज का ऊपरी ढांचा बनता है। समाज का क्या है, एक आधार होता है समाज का, और एक समाज का ऊपरी ढांचा होता है। और ऊपरी ढांचे में कौन कौन सी चीजें आती हैं, परिवार, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, कानूनी संस्थाएं हैं, सेवा है, पुलिस है, आदि की व्यवस्था शामिल होती है, यह ऊपरी ढांचा है। तो ये जो साहित्य है, इस ऊपरी ढांचे का हिस्सा है। मतलब आधार और ऊपरी ढांचे में द्वंद्वात्मक संबंध होते हैं। आधार क्या होता है, आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं, जो उत्पादन उत्पादित वस्तुएं होती हैं, वे आधार होती हैं, और इनके ऊपर क्या है, फिर समाज का पूरा ढांचा निर्मित होता है, और साहित्य इसी ऊपरी ढांचे से संबंध रखता है। और नीचे आधार और उसके ऊपरी जो ढांचे में, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। मनुष्य के विचार और कल्पना इन्हीं ठोस परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। मतलब मनुष्य के जो विचार है और जो उसकी कल्पना है, इन्हीं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। मार्क्सवाद की इन मूलभूत मान्यताओं को साहित्य में लागू किया जाता है। इनमें सबसे अहम मान्यता कार्ल मार्क्स के इस वक्तव्य में है कि दार्शनिकों ने तरह तरह से दुनिया को समझने की कोशिश की
दुनिया की व्याख्या की है, परंतु प्रश्न दुनिया को बदलने का है। मतलब वास्तव में जो दार्शनिक होते हैं वे क्या दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया को कुछ नई चीज देना चाहते हैं, दुनिया को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि दार्शनिकों की विचारधारा को भौतिक धरातल पर लागू किया जाए। और यह कार्य कौन कर सकता है? साहित्यकार लोग कर सकते हैं, या फिर इसको जो कार्यान्वयन करने का काम है, जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कर सकते हैं। तो मार्क्सवाद क्या है? दुनिया को बदलने का दर्शन है। मार्क्सवाद दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। अब इस मान्यता को साहित्य पर लागू करें तो कहेंगे जो रचना यथास्थिति का वर्णन करती है, यथास्थिति का समर्थन करती है, यथास्थिति में प्रसन्न है, वह रचना प्रगतिशील नहीं है। प्रगतिशील रचना परिवर्तन में विश्वास करती है, यथास्थिति को स्वीकार नहीं करती। मतलब मार्क्सवाद का यह कहना है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज में प्रगति होनी चाहिए, लेकिन जो साहित्य यथास्थिति को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है जैसा समाज चल रहा है चलने दो, मतलब इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, कोई भी चीज बदल नहीं सकती, इसको बोलते हैं यथास्थिति। यथास्थितिवाद मतलब यह है कि जो जिस स्थिति में है वह उस स्थिति में संतुष्ट है, प्रसन्न है, वह कुछ बदलाव नहीं चाहता, कुछ परिवर्तन नहीं चाहता, वह आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये बोलता है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मेरे कहने से या किसी भी व्यक्ति के कुछ कहने या करने से इस समाज में बदलाव नहीं आने वाला है। यदि ऐसा जो लिटरेचर लिखा जाता है यथास्थितिवादी, तो यह क्या है? वह रचना प्रगतिशील नहीं है। वास्तव में जो प्रगतिशील रचना है वह परिवर्तन में विश्वास करती है, वह यथास्थिति को स्वीकार नहीं करती। तो मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार अस्वीकार का साहस जिसमें है वह कबीरदास अच्छा है। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर किन कृतियों को मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर, प्रगतिवादी विचारधारा के आधार पर कौन कृतियां उनके मापदंडों पर सही ठहरती हैं। तो मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार अस्वीकार का साहस जिसमें हो वह कबीरदास अच्छा है। कबीरदास बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, तो वह मार्क्सवाद के हिसाब से सही है। रीतिकाल अच्छा नहीं है, क्योंकि रीतिकाल वर्तमान जीवन का आनंद भोग करना चाहता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जब हम रीतिकालीन साहित्य की आलोचना करते हैं तब हम उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि रीतिकाल क्या है? परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि वह आनंद का, उल्लास का काव्य है। रीतिकालीन जो काव्य है श्रृंगार का, आनंद का, उल्लास का काव्य है, जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। तो यह रीतिकाल मार्क्सवादी आलोचना की दृष्टि में सही नहीं है, अच्छा नहीं है। कबीरदास अच्छे हैं। भक्ति काल के कवियों में बेचैनी है, इसलिए वह कविता अच्छी है। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर जब भक्तिकालीन साहित्य की चेतना का जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह प्रगतिशील चेतना है, इसलिए भक्ति काव्य के कवियों में बेचैनी है, एक परिवर्तन की चाहत है, इच्छा है, इसलिए वह कविता अच्छी है। जब से परिवर्तन की आकांक्षा आई है, परिवर्तन की इच्छा आई है, नवजागरण हुआ है, वह भारतेंदु युग अच्छा है। भारतेंदु युग बहुत अच्छा है, क्योंकि वह परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। प्रेमचंद भी अच्छे हैं, क्योंकि वे यथार्थवादी साहित्यकार हैं, सामाजिक, है ना, यथार्थवादी, आदर्शवादी यथार्थवाद बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जो सिद्धांत है उसको आदर्शवादी यथार्थवाद कहा जाता है। तो प्रेमचंद भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गोदान में जैसे शोषक और शोषितों का उल्लेख किया है। प्रसाद शायद उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने कमानी लिखी है, तो इनका एक अलग ही व्यक्तिवादी और निजी दर्शन है। यशपाल, रेणु, रांगे राघव सब अच्छे हैं, है ना। रेणु का जो महिला अंचल है उसमें भी आप देख सकते हैं रांगे राघव का एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, मुर्दों का ठिकाने, कोई दूसरी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये रांगे सब मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, यशपाल, रेणु, रांगे राघव सब अच्छे हैं। मार्क्सवाद अच्छा है, मार्क्सवादी सब अच्छे हैं, क्योंकि वे सत्ता संरचना के समर्थक नहीं है। क्योंकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा है, तो मार्क्सवादी सभी अच्छे हैं। ये सब बातें इस मान्यता से आई हैं। मार्क्स ने कहा कि अब तक का मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। कार्ल मार्क्स का कहना है चाहे हम किसी भी समाज, विश्व के किसी भी इतिहास का हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब हमेशा से समाज में दो वर्ग ही विद्यमान रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित, और इनमें निरंतर संघर्ष चलता रहा है। आप कोई रचना देखें, पात्र देखें, परिस्थितियां देखें, सबसे पहले उसका वर्ग विश्लेषण करें। तो मार्क्सवादी आलोचना या प्रगतिवादी आलोचना का यह कहना है कि जब भी कोई रचना देखें, चाहे कोई कविता हो, चाहे कोई भी साहित्य हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कोई कहानी हो, जब भी हम उस रचना को पढ़ते हैं या देखते हैं
तो सबसे पहले उसके पात्रों का अध्ययन करें, उन परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करें, और फिर उसके वर्ग विश्लेषण करें कि कौन सा नायक है और कौन सा खलनायक है, कौन शोषक है और कौन शोषित है, उनके वर्ग का विश्लेषण करें। एक उदाहरण है प्रेमचंद के गोदान में राय साहब और होरी के विवाद का असल कारण उनका वर्ग भेद है, क्योंकि राय साहब सामंत या जिम्मेदार वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो वह शोषक हैं, शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं राय साहब जो लगान और टैक्स वसूल करते हैं, और जो होरी है, होरी क्या है, होरी शोषितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वास्तव में राय साहब और होरी के विवाद का असल कारण उनका वर्ग भेद है। कबीर और तुलसी में भी वर्ग भेद है, जहां कबीर क्रांतिकारी चेतना के कवि माने जाते हैं, वहां पर तुलसी क्या है, वे स्वांता सुखाए वे लिखते हैं, है ना, तो कबीर और तुलसी में वर्ग भेद माना गया है। इस दृष्टि से भक्ति काव्य का पाठ होना चाहिए, मतलब भक्ति काव्य का जो की जो आलोचना है, जो समालोचना है, मार्क्सवाद के आधार पर इस प्रकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो मार्क्सवादी आलोचना है, कौन सी कृतियां मार्क्सवादी मापदंडों पर उचित और सही ठहरती हैं, और कौन सी कृतियां उनके मापदंडों पर कमतर मानी जाती हैं। इस वर्ग संघर्ष में मार्क्सवाद निम्न वर्ग का पक्षधर है, जो शोषित हैं, श्रमिक जो वर्ग है, दलित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, महिलाएं हैं जो शोषण का शिकार हो रही हैं, यह उनका पक्षधर है। अतः जो रचना मजदूरों या किसानों का पक्ष मजबूत करती है वह अच्छी है, इसलिए प्रेमचंद श्रेष्ठ है। जैसे प्रेमचंद की जो रंगभूमि है, जिसमें सूरदास का जो पात्र है, यह सब देख सकते हैं आप। कामायनी में इनके कफन कहानी के जो पात्रों को आप देख सकते हैं। तो कामायनी में मजदूर वर्ग का चित्रण नहीं है, तो कामायनी में क्या है, मजदूर वर्ग का चित्रण नहीं है। नदी के दीप और शेखर एक जीवी, अगे का एक प्रसिद्ध उपन्यास है नदी के दीप और शेखर एक जीवनी की पीड़ा। शेखर एक जीवनी तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी की पीड़ा मजदूरों किसानों की पीड़ा नहीं है, अतः उनका दर्द वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक और होता है। मतलब जो शेखर जो अज्ञे है, उनकी जो कृति है नदी के दीप और शेखर एक जीवनी, इनमें ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इनमें व्यक्तिगत दर्द और पीड़ा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आम जिंदगी मजदूर जो श्रमिक हैं किसान हैं, उनको पीड़ा का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह क्या है, बेकार है, मार्क्सवाद के हिसाब से बेकार टाइप की रचना है, महत्वपूर्ण रचना नहीं है। कबीर का अनुभव एक जुलाहे श्रमिक का अनुभव है ना। कबीर जो जुलाहे थे, जुलाहा मतलब श्रमिक वर्ग, जो कपड़ों का कपड़ा बनाते थे, जुलाहे थे, श्रमिक थे, तो ये इनका निजी अनुभव है, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मार्क्सवादी आलोचना ने इसलिए कबीर का क्या है, मार्क्सवादी लोग इनका क्या है, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मार्क्सवादी आलोचना ने इस संघर्ष को, संघर्ष की परिणति को महत्व दिया। तो मार्क्सवादी आलोचना ने जो शोषक और श्रमिक शोषितों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, इसको महत्व प्रदान किया, और इस संघर्ष का जो परिणाम होता है उसे भी अत्यंत महत्व दिया है, इसे रेखांकित किया है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना लिखी जाती है। सिर्फ रचना को समझना हमारा काम नहीं है, हम यह समझना चाहते हैं कि अमुक प्रवृत्ति या वर्ग शासक या शोषक वर्ग का है, अतः शोषक वर्ग का कोई भी पात्र अच्छा नहीं हो सकता। मतलब किसी भी कृति की आलोचना या समालोचना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता कि वह उस कृति को समझने में पाठक की सहायता करे, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भी होता है कि इसमें जो आए हुए जो पात्र हैं उनको यह भी देखे कि यह पात्र शोषक वर्ग का प्रतिनिधि है कि यह शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अतः मार्क्सवाद के अनुसार जो भी चरित्र शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह चरित्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वह अच्छा दिखना चाहता तो है पर अच्छा होता नहीं है, वह अच्छा हो ही नहीं सकता, उसे नायक कैसे बनाया जा सकता है। जो लेखक राजा महाराजाओं को नायक बनाते हैं वे सब के सब प्रतिक्रियावादी हैं। मतलब जो लेखक लिखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा के बारे में, उनको नायक बनाते हैं, वे सब क्या है, प्रतिक्रियावादी है। मतलब किसी कार्य के विरोध में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, चाटुकार हैं। मतलब किसी कार्य के विरोध में, मतलब जो क्रांतिकारी जो चेतना है, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, उन सब का विरोध करते हैं, तो ये सब प्रतिक्रियावादी हैं, ये सब चाटुकार हैं, है ना, जो सामंतों की चाटुकारिता करते हैं। जैसे रीतिकालीन साहित्य में होता था, वीर गाथाकाल साहित्य में होता था, जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, वे अपनी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो इसे क्या है, ये सारे प्रतिक्रियावादी थे, ये सारे चाटुकार थे। तो मार्क्सवाद में इन सब की आलोचना की गई है नकारात्मक रूप से। आदिकाल को हमारे आलोचक समर्थक समर्थन की नजर से नहीं देखते,
आदिकाल को पसंद नहीं करते मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक। हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना में ऐसी रचनाओं को आलोचना के योग्य ही नहीं समझा जाता है। मतलब जो रीतिकालीन काव्य है, वीरगाथा काल या आदिकालीन जो काव्य है, उसे तो मार्क्सवादी जो प्रगतिवादी विचारधारा के जो लोग हैं उसे वे आलोचना के योग्य ही नहीं समझते। रीतिकालीन कविता पर शायद ही किसी मार्क्सवादी आलोचक ने कोई किताब लिखी हो, शायद ही इसकी आलोचना की गई हो, कोई किताब लिखी गई हो। छिटपुट आलोचनात्मक लेख अवश्य लिखे हैं, मतलब छोटे मोटे लेख तो लिखे गए हैं लेकिन कोई बड़ी किताब नहीं लिखी गई है। तो महत्वपूर्ण किताब रीतिकाल या वीरगाथा काल पर की आलोचना पर नहीं लिखी गई है मार्क्सवादियों के द्वारा। यहां तक कि मार्क्सवादी आलोचक ऐसे रचनाकारों को पढ़ना भी नहीं चाहते, मतलब आलोचना करना की दूर, आलोचना तो दूर की बात है, उन कृतियों को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर अभी तक आप देखते हुए आ चुके हैं तो निश्चित रूप से मेरा आज का व्याख्यान आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मेरी पुनः आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स लिख कर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही लाइक भी जरूर करें। मेरी आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग बस देखते बस हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अधिक से अधिक लोगों तक मेरे यहाँ व्याख्यान पहुंच पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर आप लोगों के लिए और भी आगे लेकर आता रहूंगा। और आप लोगों को यदि कोई और टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जरूर मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो प्रोत्साहन और प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे देखते हैं प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक और उनकी कृतियां। अब हम देखेंगे कि हिंदी के जो प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में हम प्रगतिवादी आलोचक कहते हैं, वे कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। वास्तव में यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो यह बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, इनके रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगा तो और किताबों में आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सभी बातों को बता रहा हूं और मार्क्सवाद को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज तक मेरे जितने भी एपिसोड आए होंगे इस पर मैंने सर्वाधिक परिश्रम किया है और यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग समझ पाएंगे, वही मेरी सफलता है। हिंदी आलोचना ने मार्क्सवादी मान्यताओं को आत्मसात कर हिंदी आलोचना के मार्ग को प्रशस्त किया। तो हिंदी आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी आलोचना पद्धति विकसित हुई है जिसे हम प्रगतिवादी आलोचना के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है मार्क्सवादी आलोचकों में, सबसे महान आलोचक हुए हैं मार्क्सवादी आलोचक। इनकी जो रचनाएं, बहुत सारी आलोचना कृतियां हैं इनकी, लेकिन जो मार्क्सवाद से जो संबंधित थी, जो प्रतिनिधि कृतियां हैं, उनको मैंने यहां पर इनका उल्लेख किया है, जैसे प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, इनकी कृति है प्रगतिवाद आलोचना के मान। रांगे राघव की रचना है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। चंद्रबली पांडे की कोई रचना मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई, आप देख लीजिएगा। अमृत राय, इनकी कृति है नई समीक्षा। नामवर सिंह की कृति है कविता के नए प्रतिमान। मुक्ति बोध की रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इन्होंने इत्यादि ने मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। और भी कोई कृतिकार होंगे, कोई आलोचक अगर छूट गए होंगे तो आप उनके नाम का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, उनकी रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो लेखक हैं और इनके जो लेख हैं, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, यह मार्क्सवाद पर आधारित है। प्रगतिवादी आलोचक हैं या मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवाद ने साहित्य की भाषा शैली को भी प्रभावित किया। तो जैसे मार्क्सवादी, जैसे आपने उनका देखा होगा कि कुकुरमुत्ता कविता आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता आप पढ़े होंगे, उनकी निराला जी की कुकुरमुत्ता। अबे सुनबे गुलाब गर पाई खुशबू रंगो आप, खाद खून चूसा खाद का तूने आशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो यह जो कविता है ना, कुकुरमुत्ता कविता जो है, कुकुरमुत्ता कविता है स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो देखिए कैसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अबे सुनबे गुलाब गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो ये देखिए इन्होंने भाषा शैली कैसे बदल गई है ना। तो मार्क्सवाद के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में क्या हुआ, भाषा भी बदल गई। प्रगतिवादी साहित्य की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा हो गई, क्रांतिकारी की जो तरीका, लिखने का तरीका ही बदल गया। मार्क्सवाद के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में ओज प्रभाव से युक्त आह्वानात्मक भाषा शैली, जैसे जागो फिर एक बार,
जो निराला की एक कविता है जागो फिर एक बार, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रोमांच और उसका महसूस होगा। वैसे बादल राग है ना, हाथ हिला हिला के जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो घास है वह बादलों को बुलाते हैं, क्रांति का आह्वान करते हैं। तो आह्वान, जागो फिर एक बार, प्रयाण गीत आह्वान गीत है ना। तो जैसे वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नाव भारत में भर दे, तो ये सारी कविताएं आप देख सकते हैं। खंडन मंडनात्मक भाषा शैली, खंडन मंडन करने की जो भाषा शैली है, जैसे कुकुरमुत्ता कविता में आपने देखा या फिर बाबा नागार्जुन की जो कविताएं होती हैं। घात प्रतिघात भाषा शैली, प्रश्नोत्तरात्मक भाषा शैली, आपस में बातचीत की शैली में प्रश्नोत्तर शैली में जो होता है, एवं व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रचलन हुआ। तो मतलब जो कविता की भाषा को, गद्य और पद्य दोनों की भाषा को मार्क्सवाद ने अथवा प्रगतिवादी चेतना ने प्रभावित किया है। खंडन मंडन मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। अब पहली पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक, मतलब जो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक होते हैं उनकी हम दो पीढ़ी माना जाता है, दो जनरेशन है इनकी। तो पहली पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं जो प्रारंभिक तौर पर जिन्होंने मार्क्सवादी आलोचना की शुरुआत की है हिंदुस्तान में? तो इस प्रकार 1936 ईस्वी में स्वतः स्फूर्त रूप में नई आलोचनात्मक आलोचना दृष्टि के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वैचारिक द्वंद्व और मंथन की आवश्यकता थी। तो 1936 में जब जो प्रगतिशील वहां पर जो सम्मेलन हुआ था है ना, उसके बाद 1936 के बाद से मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरह भारत में आ गई थी और हिंदी साहित्य को उसने और हिंदी आलोचना को के क्षेत्र में उसने प्रवेश कर लिया था। तो इस समय कुछ विद्वानों ने उस पर विचार करना शुरू किया और हिंदी साहित्य पर लागू करने का प्रयास किया उसको। तो ऐसे मौके पर ही जो प्रारंभिक पहली पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक हैं वो कौन कौन से हैं? शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, रामेश्वर शर्मा और चंद्रबली सिंह, जैसे मार्क्सवादी आलोचकों की पहली पीढ़ी हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आई। तो ये जो कुछ प्रमुख नाम है जो इन्हें कहा जाता है पहली पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक अथवा प्रगतिवादी आलोचक। तो पिछले 70 वर्षों के अंदर हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना दो स्तरों पर समृद्ध होती रही, प्रगतिशील रचना कर्मियों के आलोचनात्मक अवदान तथा प्रगतिशील समालोचकों के कृतित्व के द्वारा। मतलब इस दौरान या तो प्रगतिशील रचनाकर्मियों ने किसी कृति की आलोचना की, ये पहले वर्ग में आते हैं, या फिर उन्होंने अपनी स्वतंत्र अपनी किताबें लिखी। मतलब पिछले 70 वर्षों में मार्क्सवादी आलोचकों ने, प्रगतिवादी आलोचनों ने, आलोचकों ने दो प्रकार का काम किया। जो ऊपर वाले हैं इन्होंने क्या किया, किसी कृति की मार्क्सवाद के आधार पर आलोचना की और दूसरा अपनी स्वतंत्र कृति का लेखन किया, स्वतंत्र आलोचनात्मक कृति का भी लेखन किया। अब दूसरी पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक हैं, इनके बाद ये लोग सीनियर थे, अब इनके जो जूनियर आए। तो दूसरी पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक इनको गिना जाता है, मार्क्सवादी आलोचकों की दूसरी पीढ़ी में नामवर सिंह, मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध, शिव कुमार मिश्र, ओम प्रकाश ग्रेवाल, सुरेंद्र चौधरी, कुंवर पाल सिंह, आनंद प्रकाश, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो इन दोनों का ही आपको वर्णन करना है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष या फिर उपसंहार। जब भी कोई परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं तो आप अपने प्रस्तावना और उपसंहार लिखना ना भूलें। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं क्या होता है। आज मार्क्सवादी आलोचना एक विराट परिप्रेक्ष्य में संस्कृति समीक्षा का स्वरूप ग्रहण कर रही है और उसके अंदर आदिवाद, वाद विवाद और संवाद की अनेक अंतरधाराएं। मतलब मार्क्सवादी समीक्षा समाप्त नहीं हुई, मार्क्सवादी आलोचना आज भी जारी है और इसके आधार पर हम भारतीय संस्कृति की जो पुरानी हमारे पौराणिक जो है कृतियां हैं, चाहे हमारे रामचरित मानस हो, चाहे महाभारत हो, या और जितनी भी कृतियां हैं या फिर जितने भी पुराने जो लेख हैं या कविताएं हैं, उपन्यास है, कविता कहानी, इन सब का इसके आधार पर आज भी समीक्षा किया जा रहा है और इस पर भी आज भी वाद विवाद और संवाद जारी है। मतलब यह आलोचना आज भी जीवंत है, मार्क्सवादी विचारधारा आज भी जीवंत है। अपने अतीत या अपनी परंपरा का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, जैसे आप जयशंकर प्रसाद की कोई रचना को पढ़ते हैं तो उसकी आलोचना करेंगे आप मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर, तो वह हो गया परंपरा का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। रचनाकार के युग के द्वंद्व के संदर्भों से रचना की अंतर्भूमियों की पहचान किस प्रकार करना चाहिए। मतलब रचनाकार के समय में जिस तरह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक जो विचारधारा थी, जो समाज में चलने वाले द्वंद्व थे, अंतर्द्वंद थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो संघर्ष थे, उनके आधार पर
आप रचना के कंटेंट का कैसे उसकी पहचान करेंगे और कैसे उसकी आलोचना करेंगे। वस्तु मतलब कंटेंट और रूप विधान मतलब फॉर्म, मतलब किसी कृति का कंटेंट कैसा है, उसका विषय कैसा है, उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा है और उसका फॉर्म कैसा है, उसका रूप विधान कैसा है, किस प्रकार से उसे रचा गया है, कि वह आत्मकथा के रूप में रचा गया है, कि वह जीवनी है, कि उपन्यास है, कि कहानी है। इनके बीच द्वंद्वात्मक रिश्ते की पड़ताल किस तरह करनी चाहिए, मतलब जो आर्ट का जो फॉर्म है और इसका विषय वस्तु है, इन दोनों में कैसा संघर्ष है, कैसा द्वंद्व है, इनकी पड़ताल करनी है, इनके कैसे रिश्ते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों तत्वों में फर्क किस प्रकार करना चाहिए, मतलब किसी कृति में कुछ सकारात्मक तत्व आएंगे, कुछ नकारात्मक तत्व आएंगे, उनको कैसे पहचानना है। युग के सक्रिय प्रतिबिंबन, मतलब साहित्य को समाज का दर्पण या समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसको हमको कैसे पहचानना है, तथा रचनाकार की प्रतिभा के अंतर संबंधों के छानबीन का क्या तरीका हो सकता है। मतलब जो समाज है और साहित्यकार का जो व्यक्तित्व है, साहित्यकार में जो प्रतिभा है और जो समाज है उसमें क्या संबंध है, उनका कैसे छानबीन करें, इस तरह के सभी प्रश्नों पर मार्क्सवादी आलोचकों ने विस्तार से विचार किया है। मार्क्सवादी आलोचक आलोचना को विचारधारा की एक इकाई, विचारधारात्मक संघर्ष का एक अस्त्र और वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने का एक साधन समझते हैं। तो मार्क्सवादी जो आलोचक हैं वो केवल मार्क्सवादी विचारधारा को आलोचना का केवल एक विचारधारा मानकर नहीं चलते, मार्क्सवाद को केवल एक विचारधारा मानकर नहीं चलते, बल्कि समाज में विचारधाराओं में जो संघर्ष होता है, जैसे छायावाद है और प्रगतिवाद में जो संघर्ष है, इसको समझने का एक अस्त्र समझते हैं। वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब भौतिकतावादी जो दृष्टिकोण है, भौतिकवाद, मतलब हमारा जो दृष्टिकोण होता है होना चाहिए वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए, तो इसको प्रतिबिंबित करने का एक साधन समझा जाता है। अतः इसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता, क्योंकि संघर्ष आज भी जारी है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग में आज भी संघर्ष जारी है। आज भी कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, और इसलिए और समाज जो है निरंतर विकसित हो रहा है, हमारा समाज जो है प्रगतिशील समाज है, इसीलिए क्योंकि संघर्ष आज भी जारी है, विकास आज भी जारी है, इसलिए जो मार्क्सवाद है इसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगा। अतः मार्क्सवाद एक जीवंत दर्शन है, प्रगतिशील दर्शन है, गतिशील दर्शन है। मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स के बाद इसे जिन दोनों ने आगे बढ़ाया उनमें लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, रोजा लक्जमबर्ग, ग्राम्सी, लुकास, एल्थुजेमर, माओ आदि विचारकों ने कार्ल मार्क्स के बाद मार्क्सवादी विचारधारा को समृद्ध किया है। विचारधारा और इतिहास के अंत के प्रतिपादकों ने मार्क्सवाद की समाप्ति की घोषणा जरूर कर दिया है। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिनका यह मानना है कि इतिहास का अंत हो चुका है, विचारधारा का अंत हो चुका है, इसको आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, है ना। तो विचारधारा का अंत हो चुका है, मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है, विचारधारा खत्म हो चुका है, इतिहास भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे जो विचारधारा लाने वाले जो विद्वान है उनका कहना है कि मार्क्सवाद समाप्त हो चुका है, और बोलते हैं जितनी भी विचारधाराएं हैं सब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्क्सवाद सामाजिक विश्लेषण के एक आयाम और उत्पीड़ित वर्ग के दर्शन के रूप में प्रासंगिक रहेगा। लेकिन मार्क्सवाद के आधार पर जो हम समाज का विश्लेषण करते हैं, हाँ, तो मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि पर, मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर हम समाज का जो ताना बाना है, जो आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, और यह उत्पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनके जीवन में दर्शन के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। यह जनमानस को उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित करता रहेगा। यह शोषित जो वर्ग है, जो समाज के दलित हैं, दमित हैं, शोषित हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, सर्वहारा वर्ग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे जनमानस को मुक्ति के लिए, क्रांति के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहेगा। अतः मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी दर्शन है, यह एक सामाजिक परिवर्तन का दर्शन है। मतलब मार्क्सवाद क्या चाहता है, साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है, और इसके लिए क्रांति आवश्यक है, अतः यह एक क्रांतिकारी दर्शन है, यह एक सामाजिक परिवर्तन का दर्शन है, यह समाज में परिवर्तन आना चाहता है। आपको मालूम है कि शहीद आजम भगत सिंह भी मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और जब उनको फांसी दी जा रही थी लगभग 23 साल की उम्र में, उस समय भी वे लेनिन की किताब, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो मार्क्स के अनुसार इसका उद्देश्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण से मुक्त समतावादी समाज की स्थापना करना है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना है
जो साम्यवादी समाज होगा, समतामूलक समाज होगा, जहां ना कोई शोषक होगा ना कोई शोषित होगा। तो इस प्रकार हमने देखा मार्क्सवादी की आलोचना को। निश्चित रूप से मेरा यह आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही इसे इस वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।